हे गाइस, वेलकम टू वीब्रॉन्स। माय नेम इज़ रवि और ये हमारा सेकंड लेक्चर है कंडीशनल सेंटेंस का। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कंडीशनल सेंटेंस के कॉन्सेप्ट पढ़े थे डिटेल में और हमने देखा कितनी टाइप की कंडीशन होती हैं और उन पर बेस कुछ क्वेश्चन किए। आज हम कंडीशनल सेंटेंस के कुछ और क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए और उसके बाद फिर हम मिक्स कंडीशन का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे डिटेल में। तो अगर आपने मेरा वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसको एक बार देख लें, वरना शायद आपको ये क्वेश्चन समझ ना आए। बट अगर आपको कंडीशनल सेंटेंस की नॉलेज पहले से ही है थोड़ी बहुत, तो आप बस इन फॉर्मूलाज को एक बार गो थ्रू कर लें और फिर हम शुरू करते हैं। अब सबसे पहले सेकंड सेंटेंस देखो। इफ़ इट रेन्स स्टूडेंट्स मे नॉट कम फॉर क्लास। अगर बारिश होती है तो शायद बच्चे पढ़ने के लिए ना आए, क्लास में ना आए। तो ये आपका सबसे पहले आप कंडीशन पहचानना सीखो कि ये कौन सी कंडीशन है। देखो, इफ़ इट रेन्स ये आपका प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल किस में यूज होता है? फ्यूचर की कंडीशन में। और फ्यूचर की कंडीशन कौन सी होती है? कंडीशन वन, ठीक है। तो इफ़ इट रेन्स यहाँ तक तो सही है। अब ये पढ़ो के बताओ, फ्यूचर की कंडीशन में जो नेक्स्ट क्लॉज होता है वो फ्यूचर सिंपल में होता है। स्टूडेंट मे नॉट कम फॉर क्लास, तो आपको लग रहा होगा शायद यहाँ पे विल आना चाहिए, है ना, विल आना चाहिए यहाँ पे। बट विल की जगह पे आप मे भी यूज़ कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। हाँ, थोड़ा सा मतलब मीनिंग में तो डिफरेंस आएगा। देखो, विल का मतलब क्या होता है, ये फ्यूचर की पॉसिबिलिटी है और जो मे है वो मुझ पर डिपेंड कर रही है पॉसिबिलिटी। इसको ऐसे समझो, अगर मैं बोलूँ आपको कि आई विल गो टू मुंबई नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल मुंबई जाऊंगा, तो फ्यूचर में मेरा कंट्रोल तो है नहीं, एक साल में कुछ भी हो सकता है, क्या पता मैं ही ना रहूं एक साल के बीच में। तो फ्यूचर क्या है? पॉसिबिलिटी। बट अगर मैं बोलूं आई मे नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, शायद मैं शायद स्कूल नहीं जाऊंगा, या फिर मैं बोलूं आई मे नॉट कम, मैं शायद ना आऊं, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? मुझ पे डिपेंड कर रहा है, मेरे मूड पे डिपेंड कर रहा है। शायद मतलब मेरा मन ना करे तो मैं ना जाऊं। तो अगर बारिश होती है तो स्टूडेंट शायद ना आए, समझ रहे हो ना इसको कैसे? तो ये मे जो है विल को रिप्लेस कर लेता है, ये भी फ्यूचर के लिए ही होता है यूज, ठीक है। तो इसमें कोई एरर नहीं है, ये एकदम सही सेंटेंस है। अब देखो आप फर्स्ट सेंटेंस, आई विल नॉट गो टू ऑफिस इन केस इफ इट विल रेन। अब मुझे बताओ इसमें एरर क्या है। देखो, सबसे पहले ही आपको पकड़ना है, ये पकड़ना है कि इफ के साथ विल यूज हो रहा है, तो विल तो हटा दो यहां से। अब मुझे बताओ क्या अब सेंटेंस सही बन गया? हमने विल हटा दिया। I will not go to office in case if it rains. यहाँ पे rains होगा, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है। अब मुझे बताओ ये कौन, सबसे पहले तो पता करो कि ये कौन सा कंडीशन है। If के साथ प्रेजेंट सिंपल, ये कंडीशन वन है जो फ्यूचर की कंडीशन है। I will not go to office, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, in case if it rains। अब मुझे बताओ इसमें एरर, अभी देखो हमने एरर तो निकाल दिया लेकिन अभी भी इसमें एक एरर बचा है। अब बताओ कौन सा एरर है वो। देखो, इन केस और इफ, सोच के बताओ, इसको हिंदी में खुद से ट्रांसलेट करो और सोचो क्या है इसका मतलब। मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा इन केस अगर, इफ अगर इट विल रेन। तो इन केस के साथ हम इफ को नहीं यूज कर सकते, दोनों एक ही चीज बता रहे हैं, क्या कंडीशन है ये दोनों के दोनों। इन केस भी कंडीशन है और इफ भी कंडीशन है। अब बताओ मैं इन केस को हटाऊं या इफ को हटाऊं। मैं इन केस को हटा दूंगा तो मेरी दो एरर मैंने हटाए, एक तो यहां पे एरर हटाया और एक मैंने वहां पे एरर हटाया। तो मैं इन केस को नहीं हटा सकता, मैं इफ को हटाऊंगा, क्योंकि इफ जो एरर है वो एक ही उसमें है, एक मतलब ब्रैकेट के अंदर, इफ इट विल रेन। तो मैंने इफ और विल हटा दिया, तो सेंटेंस क्या बना सही? आई विल नॉट गो टू ऑफिस इन केस इट रेन्स। इफ के साथ इन केस नहीं आता है, ये कोई रूल नहीं है, ये आपका कॉमन सेंस है। देखो, मैं अगर आपको बोलूं शी इज लुकिंग प्रिटी ब्यूटीफुल, प्रिटी भी आपका मतलब खूबसूरत, ब्यूटीफुल भी मतलब खूबसूरत, मैं ये दो चीज एक साथ नहीं यूज कर सकता, ये आपका कॉमन सेंस है, ठीक है। उसी तरह से इन केस और इफ, ये दोनों आप एक साथ नहीं यूज कर सकते, ठीक है। आई विल नॉट गो टू स्कूल इन केस इट रेन्स, ये सही होगा। अब आओ थर्ड सेंटेंस पे। सपोज इफ यू मिस द ट्रेन यू विल बी लेट, ये कौन सी कंडीशन है? कंडीशन वन, फ्यूचर की कंडीशन, फ्यूचर की बात हो रही है। इफ क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल है और जो नेक्स्ट क्लॉज है उसमें फ्यूचर सिंपल, तो ये क्या है? कंडीशन वन। अब बताओ इसमें एरर क्या है, सोचो थोड़ा, पॉज करो। देखो, सपोज इफ, जैसे इन केस और इफ था ना, ये क्या है? दोनों के दोनों सेम चीज, सेम मीनिंग है, कंडीशन। तो उसी तरह से सपोज और इफ दोनों के दोनों कंडीशन है। सपोज मान लो तुम, मान लो तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाती है, मान लो तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाती है, ये एक ऑलरेडी कंडीशन है। और मैं क्या कह रहा हूं, मान लो अगर तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाती है, मान लो भी डाल दिया और अगर भी डाल दिया। अगर मैं सिंपल बोलूं अगर तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाती है, तो ये भी तो एक कंडीशन है, अगर तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाती है। और सपोज मान लो तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाती है, दो कंडीशन है ये। और मैं सपोज और इफ दोनों एक साथ यूज कर रहा हूं, तो ये सेंटेंस क्या हो गया? सुपरफ्लुअस। तो मैं दोनों एक साथ नहीं यूज करूंगा, या तो मैं सपोज रख दूं, सपोज यू मिस, या फिर इफ रख दूं, तो कोई सा भी एक काट दो इसमें से,
ये सेंटेंस अब सही बन गया, ठीक है। अब देखते हैं हम फोर सेंटेंस, आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको इसमें मतलब कुछ भी थोड़ी सी डाउट हो रहा है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा अच्छे से वहाँ पे। अब फोर सेंटेंस देखो, इफ आई विल बी हैविंग टाइम टुमारो, आई विल गो आउट विथ माई फ्रेंड फॉर लंच, तो मुझे बताओ इसमें एरर क्या है। पॉज करो और सोचो। देखो, इफ के साथ पहले तो विल नहीं यूज होगा, विल हटा दो सबसे पहले। अब देखो ये कौन सी कंडीशन है, सोचने की कोशिश करो। इफ आई विल बी हैविंग टाइम टुमारो, ये आपकी कंडीशन वन है जो फ्यूचर की कंडीशन है। अब मुझे बताओ अगर मैंने विल हटा दिया तो मैं यहां पे ये कर दूं क्या, विल बी क्या आई एम हैविंग कर दूं इसे। इफ आई एम हैविंग टाइम टुमारो आई विल गो आउट विद माई फ्रेंड फॉर लंच। सोच के देखो, देखो हैविंग क्या है, ये पजेशन बता रहा है। इफ आई एम हैविंग टाइम, इफ आई एम हैविंग कार, इसको रिलेट करो ऐसे, इफ आई एम हैविंग चिल्ड्रन, तो ये पजेशन मैंने आपको पहले बताया था, या तो आपके पास कार है या फिर नहीं है। आप हैविंग नहीं कर सकते ऐसे कि मेरे पास कार हो रही है, जैसे बोलते हैं ना, अगर मैं बोलूँ आई हैव टू चिल्ड्रन, तो मेरे दो बच्चे हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा आई एम हैविंग टू चिल्ड्रन, मेरे दो बच्चे हो रहे हैं। ये कंटिन्यूस आईएनजी क्या होती है, कंटिन्यूस फॉर्म होती है। तो ये जो पजेशन होता है हमेशा किस में होता है, ये स्टैटिक फॉर्म, स्टैटिक वर्ब है, ये हमेशा स्टैटिक फॉर्म में होता है, मतलब आईएनजी फॉर्म नहीं होती है इसमें। तो यहाँ पे क्या होगा, हैव होगा, ठीक है। तो सही सेंटेंस क्या बनेगा, इफ आई हैव टाइम, इफ आई हैव टाइम टुमारो आई विल गो आउट विथ माई फ्रेंड फॉर लंच, ठीक है, क्योंकि ये आपकी आईएनजी फॉर्म में नहीं यूज होती है, कंटिन्यूस फॉर्म में, क्योंकि एक स्टैटिक वर्ब है, ठीक है। पजेशन आपका स्टैटिक वर्ब होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिए दो तीन। अब देखो फिफ्थ सेंटेंस, इफ आई हैड अ बीटेक डिग्री आई वुड हैव गॉट अ गुड जॉब। सबसे पहले ये बताओ ये कंडीशन कौन सी है, ये आपकी कंडीशन सेकंड है। क्यों, ये जो हैड है ना आपका, ये परफेक्ट टेंस के लिए नहीं है, ये हैड आपका हेल्पिंग वर्ब होता तब ये परफेक्ट टेंस होता, लेकिन ये मेन वर्ब है यहाँ पे और ये वी टू है, तो यानी ये पास्ट सिंपल है। अब पास्ट सिंपल किस में होता है, प्रेजेंट की इमेजिनेशन में, मतलब कंडीशन टू है ये, ठीक है। अब देखो इसे पढ़ो, इफ आई हैड अ बीटेक डिग्री आई वुड हैव गॉट, अब ये हैव गॉट क्या है, देखो हैव गॉट मतलब हैव प्लस वी थ्री, यानी परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस किस में होता है, कंडीशन थ्री में, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे कंडीशन टू यूज कर रहे हैं तो आगे वाले क्लॉज में यूज क्या करते हैं, वुड प्लस वी वन, और वी वन क्या होगा, गेट। सेंटेंस सही क्या होगा, इफ आई हैड अ बीटेक डिग्री आई वुड गेट अ गुड जॉब, ये हैव गॉट यहां पे नहीं आएगा, परफेक्ट टेंस कंडीशन थ्री में यूज होती है, ठीक है। अब देखो एक छोटा सा पॉइंट आपको बताता हूं, अगर मान लो मैं, ये तो आपका प्रेजेंट पास सिंपल था, अगर मैं इसको पास परफेक्ट कर दूं, इफ आई हैड हैड अ बीटेक डिग्री आई वुड हैव गॉट अ गुड जॉब, तब ये सेंटेंस एकदम सही हो जाता। अब देखो मेरे पास दो ऑप्शन बचते हैं, या तो मैं यहां पे इसे सही कर दूं, आई हैड हैड कर दूं इसे, तब ये सेंटेंस सही बन जाएगा, या फिर मैं हैव गॉट को हटा के यहाँ पे आई वुड गेट कर दूँ। मेरे पास दो तरीके से सही करने के, तो बताओ मैं यहाँ पे सही करूँ या फिर यहाँ पे सही करूँ। देखो जब हम सेंटेंस पढ़ रहे हैं ना, इफ आई हैड अ बीटेक डिग्री यहाँ तक पढ़ा तो इसमें कोई एरर हमें नहीं मिला, तो अब हम वापस पीछे जाके इस एरर को सही नहीं करेंगे, इसमें एरर है ही नहीं। हमने क्या किया, आगे हमारा गलत था, हमने उसके अकॉर्डिंग इसको सही कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमने जब यहाँ तक पढ़ा इसमें कोई एरर नहीं था, तो इसमें अब एरर नहीं है, हमें आगे ही सही करना है सेंटेंस को, ठीक है, हमेशा रखना। इसलिए आप यहाँ से हैव गॉट हटा दोगे, सही सेंटेंस बनेगा, इफ आई हैड अ बीटेक डिग्री आई वुड गेट अ गुड जॉब, ठीक है। अब देखो सेंटेंस सिक्स, यू वुड हैव वॉन इफ यू एक्टेड अपॉन माई एडवाइस, वुड प्लस हैव वॉन, ये आपका क्या है, परफेक्ट, वुड प्लस परफेक्ट यानी कंडीशन थ्री, ठीक है। अब देखो कंडीशन थ्री यूज हुई है, कंडीशन थ्री में इफ क्लॉज के अंदर आप पास परफेक्ट यूज करते हो, लेकिन यहां पे क्या यूज करा आपने, एक्टेड, ये एक्टेड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी पास सिंपल यूज किया है, और यहां पे क्या करते हैं, यूज पास परफेक्ट, तो सेंटेंस क्या होगा सही, इफ यू हैड एक्टेड अपॉन माय एडवाइस, इफ यू हैड होगा यहां पे, ठीक है, सही सेंटेंस बनेगा, इफ यू हैड एक्टेड अपॉन माय एडवाइस। तो ये थे आपके सिक्स सेंटेंस देखे हमने। अब सेवन सेंटेंस देखो, या तो ये आपको समझ आ गया होगा, आई होप, इसमें इतना कुछ बड़ा वो नहीं था, बस आपको मतलब देखो फॉर्मूले नहीं रटने, आपको मैंने आपको जिस तरह से पढ़ाया ना कंडीशन सेंटेंस, आपको हर कंडीशन का पता होना चाहिए, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि कौन सी कंडीशन इसमें लग रही है। सेवन सेंटेंस देखो, व्हेन ही विल कम टू दिल्ली आई विल मीट हिम, आई विल मीट हिम, फ्यूचर की बात हो रही है, अगर फ्यूचर की बात हो रही है, फ्यूचर की कंडीशन है, तो कौन सा है ये कंडीशन, कंडीशन वन, ठीक है। अब देखो When यूज़ किया मैंने, if नहीं यूज़ किया, कंडीशन के लिए if यूज़ होता है,
इफ ही विल कम टू दिल्ली आई विल मीट हिम, यहाँ पे मैंने वैन यूज़ किया है, तो आप इफ़ की जगह पे वैन भी यूज़ करते हैं। वैन भी पॉसिबिलिटी बताता है फ्यूचर की। देखो अभी जैसे हमने देखा इन केस, इफ़ की जगह पे इन केस यूज़ कर सकते हैं, इफ़ की जगह पे सपोज यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपने मेरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाला लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने एक चीज़ बताई है, क्या कि आप ये एज सून एज, अनटिल, अनलेस, वैन, ये सब क्या होती है, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी होती है। तो आप इफ़ की जगह पे इनको रख सकते हो, जैसे एज सून एज ही विल कम टू दिल्ली, एज सून एज, ये सब हम रख सकते हैं इफ़ की जगह पे। इफ़ कंडीशन होती है और ये सब क्या होती है, पॉसिबिलिटी होती है। अब मुझे बताओ इफ़ के साथ विल नहीं आ सकता ना, राइट? तो वैन के साथ विल आ सकता है क्या? वैन के साथ भी विल नहीं आएगा। वैन भी पॉसिबिलिटी है और विल भी आपकी पॉसिबिलिटी है, दो एक साथ नहीं आएंगे। सेंटेंस सही क्या बनेगा? वैन ही कम टू दिल्ली आई विल मीट हिम। इस चीज़ को आप नोट कर लेना, थोड़ा यहाँ पे आपको अजीब सा लग रहा होगा कि वैन आप पहली बार देख रहे होगे, बट आप एक बार मेरा वाला लेक्चर देख लोगे टेंसेज वाला फ्यूचर परफेक्ट का, तो आपको ये समझ आ जाएगा। When he come to Delhi, I will meet him. ठीक है, अब थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, बहुत स्लो स्लो चल रहा हूँ मैं। एट देखते हैं, एट सेंटेंस। If she invited me to lunch, I would have attended. सबसे पहले इतना पार्ट पढ़ो स्टार्ट का, स्टार्ट में कोई एरर है? If she invited me, कोई एरर नहीं है। अब बताओ ये कौन सी कंडीशन है? If plus past simple, if plus past simple मतलब कंडीशन टू, प्रेजेंट की इमेजिनेशन। ये क्या कह रहा है? अगर वो मुझे बुलाती लंच पे, ये प्रेजेंट इमेजिन कर रहा है बस, अगर काश वो मुझे बुलाती तो मैं जाता, ठीक है, मतलब इमेजिन कर रहा है। तो इफ़ शी इनवाइटेड मी टू लंच आई वुड हैव, देखो वुड प्लस हैव अटेंडेड। अब देखो हैव अटेंडेड क्या है, ये आपका परफेक्ट, परफेक्ट हम यूज़ करते हैं किस में? वुड प्लस परफेक्ट टेंस हम यूज़ करते हैं कंडीशन थ्री में, लेकिन यहाँ पर हम कंडीशन टू यूज़ कर रहे हैं। तो सेंटेंस कैसे सही करेंगे हम? इफ़ शी इन्वाइटेड मी टू लंच आई वुड अटेंड होगा यहाँ पर, ठीक है, आई वुड अटेंड करेंगे। इफ शी इन्वाइटेड मी टू लंच आई वुड अटेंड, बस अगर वो मुझे बुलाए तो मैं जाऊं, प्रेजेंट की इमेजिनेशन। बट देखो जो चीज मैंने पीछे समझाई थी आपको दोबारा समझाता हूं इसी में, वो बीटेक वाले एग्जाम्पल में समझाई थी। देखो इफ शी, अगर मैं यहां पे हैड कर दू ना, इफ शी हैड इन्वाइटेड मी टू लंच आई वुड हैव अटेंडेड, तो भी ये सेंटेंस एकदम सही बन जाएगा। अब या तो मैं यहां पे चेंज कर लूं या फिर यहां पे चेंज कर लूं, दो जगह पे चेंज कर सकता हूं। बट जब मैंने सेंटेंस पढ़ा इफ शी इनवाइटेड मी टू लंच, तो यहां तक जब मैंने पढ़ा तो इसमें कोई एरर नहीं था, जब उसमें मुझे वहां तक कोई एरर नहीं मिला है। बट मैं आगे का सेंटेंस पढ़ के इसको चेंज नहीं करूंगा, फिर मैं आगे ही चेंज करूंगा, ठीक है, हमेशा याद रखना इसको। आप यहीं पर चेंज करोगे, इसे चेंज नहीं करोगे, तो ये सेंटेंस सही क्या बन गया, वो बन गया। अब नाइन देखो, इफ शी हैड इन्वाइटेड मी, मैंने इसी सेंटेंस को दो बार लिखा है, इफ शी हैड, यहां पर अब मैंने हैड कर दिया है, इफ शी हैड इन्वाइटेड मी टू लंच आई वुड अटेंड। अब क्या है ये? ये आपका यहाँ पे वुड प्लस वी वन यूज कर लिया मैंने, वुड प्लस वी वन आपका किस में यूज होता है? कंडीशन सेकंड में। बट यहाँ पे हमने क्या यूज किया है? शी हैड इन्वाइटेड, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट किस कंडीशन में यूज होता है? कंडीशन थ्री में, ये आपकी कंडीशन थ्री है। आगे क्या यूज होगा? इफ शी हैड इन्वाइटेड मी टू लंच आई वुड हैव अटेंडेड, अब यहाँ पे होगा आई वुड Have attended। ये मैंने दो आपको सेम इसलिए कराए ताकि आपको ये समझ आए कि हम इतने सेंटेंस को पहले चेक करते हैं, इसमें एरर नहीं है, फिर हम आगे का चेक करते हैं। अगर आगे को, आगे में एरर है, अगर आगे को बदल के हम इसको सही कर सकते हैं पूरे सेंटेंस को, तो हम यहीं पे चेंज करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमने ये पहले पढ़ लिया, ठीक है। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करना। अब देखो टेंथ सेंटेंस, इफ आई विल हैव मनी आई वुड हैव बॉट अ न्यू कार। तो देखो सबसे पहले इफ के साथ विल नहीं आएगा, विल को सबसे पहले हटा दो, ठीक है, तो यहां पे एरर है। अगर ये सेंटेंस होता कि एरर फाइंड करो, तो यहां पे एरर आ गया, ए इसका आंसर होता, बट ये सेंटेंस अभी भी सही नहीं हुआ है। देखो इफ आई हैव मनी आई वुड हैव बॉट अ न्यू कार, यहां पे आपकी कंडीशन थ्री यूज हो रही है और यहां पे आपने क्या यूज कर रखा है? कंडीशन वन। इफ आई हैव मनी, अगर मेरे पास पैसा होगा, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो यहां पे क्या होना चाहिए था? आई विल बाय अ न्यू कार, फ्यूचर की, फ्यूचर टेंस होना चाहिए था, राइट, फ्यूचर सिंपल। बट अब मुझे क्या करना है, इस पार्ट में मैंने एक एरर निकाल दिया, अब इसी पार्ट को मुझे ऐसा बनाना पड़ेगा कि पूरा सेंटेंस सही हो जाए। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं, देखो ये क्या कंडीशन थ्री, यहां पे क्या करना है मुझे? पास्ट परफेक्ट लगाना है, अगर ये कंडीशन थ्री है तो मुझे इसे पास्ट परफेक्ट लगाना है, तो क्या करूंगा? इफ आई हैड हैड, दो हैड लगाने पड़ेंगे, इफ आई हैड हैड मनी, पास्ट परफेक्ट टेंस, एक हैड आपका हेल्पिंग वर्ब, एक हैड आपका मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और दूसरा आपका हेल्पिंग वर्ब। इफ आई हैड हैड मनी आई वुड हैव बॉट अ न्यू कार,
ये क्या हो गया, अब सेंटेंस सही हो गया, तो ये इसमें एरर था, ठीक है। एरर तो हमें पहले पता चल गया था कि यहाँ पे विल नहीं आ सकता एक के साथ, लेकिन इस सेंटेंस को अगर हमें करेक्ट करना है तो वो कैसे करेंगे, उसको हम ऐसे करते हैं, ठीक है। अब इस सेंटेंस को देखो, इलेवंथ को, इफ आई हैव मनी आई वुड बाय अ न्यू कार, इसी सेंटेंस को मैंने अलग तरीके से लिखा है। अब देखो, इफ आई हैव मनी, यहां से लेके यहां तक पढ़ो इसको, फर्स्ट क्लॉज को, इफ आई हैव मनी, ये क्या है आपका कंडीशन वन, तो यहां तक बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, ये फ्यूचर की कंडीशन है। इफ आई हैव मनी, मेरे पास पैसा होगा, आई वुड बाय अ न्यू कार, तो यहां पे क्या होना चाहिए, विल होना चाहिए, आई विल बाय अ न्यू कार, फ्यूचर सिंपल, ये क्या कंडीशन वन। अब देखो इसको सोचो, यहां पे क्या था, आई वुड बाय अ न्यू कार, ये क्या थी कंडीशन सेकंड। अगर मैं इसको हैव को हैड कर दूं तो भी ये सेंटेंस सही हो जाता, इफ आई हैड मनी आई वुड बाय अ न्यू कार, कंडीशन टू। कौन सी कंडीशन है, प्रेजेंट की इमेजिनेशन, अगर मेरे पास पैसा होगा, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं नई गाड़ी खरीदता, ये क्या हो गई आपकी, कौन सी कंडीशन हो गई, कंडीशन टू। ऐसे भी मैं इसको कर सकता हूं सही, अगर यहां पे इसको सही कर दूं, और अगर मैं इसको वुड की जगह विल यूज कर दूं, इफ आई हैव मनी आई विल बाय अ न्यू कार, तो मेरे पास दो तरीके हैं इसको सही करने के। एक तरीका क्या, मैं यहां पे हैव की जगह हेड कर दूं, दूसरा वुड की जगह विल कर दूं। अब देखो, जब मैंने सेंटेंस यहां से यहां तक पढ़ा, इफ आई हैव मनी, तो इसमें मुझे कोई एरर नहीं मिला, कोई एरर था ही नहीं, ये सेंटेंस सही था, इसलिए मुझे अब एरर इसी में निकालना पड़ेगा, ये नहीं कि इसके हिसाब से मैं यहां पे एरर निकालूं, ठीक है, इस चीज को समझो। तो यहां पे हैड नहीं आएगा, ये चीज इतना सही है, इफ आई हैव मनी ही होगा, यहीं पे हम एरर निकालेंगे, इस चीज को समझो, इस चीज, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम आगे ही एरर निकालेंगे, अगर पीछे एरर नहीं है ना इस वाले में, अगर जो हमने पहले पढ़ लिया उसमें एरर नहीं है तो हम आगे वाले में ही एरर निकालेंगे, ठीक है। अब देखो 12th सेंटेंस, इफ ही हैज विंग्स ही वुड फ्लाई टू फिनलैंड, इसको जैसे मैं पढ़ता हूं ना सेंटेंस को, उसी समय तुम मतलब अपना दिमाग लगाओ और सोचो, खुद से सोचो कि ये कौन सा कंडीशन होगा मेरे बोलने से पहले। तो देखो, इफ ही हैज विंग, ये क्या आपका, ही हैज यानी कि v1 यानी कि फ्यूचर की कंडीशन, प्रेजेंट सिंपल है ना, ये पूरा का पूरा आपका प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल आपकी फ्यूचर की कंडीशन रखता है, यानी कंडीशन वन, ये आपकी कंडीशन वन हो गई। अब इफ ही हैज विंग, तो प्रेजेंट कंडीशन में क्या होता है, प्रेजेंट कंडीशन में सॉरी कंडीशन वन में क्या होता है, जो इफ क्लॉज होता है उसमें आप प्रेजेंट सिंपल यूज करते हो, और जो नेक्स्ट क्लॉज होता है दूसरा क्लॉज उसमें आप फ्यूचर सिंपल यूज करते हो। तो अगर यहां पे आप विल फ्लाई कर दोगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। सोचो, मैं ये नहीं कह रहा सेंटेंस सही हो जाएगा, आप बस सोचो क्या ये सेंटेंस सही हो गया। देखो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या बन रहा है, अगर उसके पास पंख होंगे फ्यूचर तो वो उड़ के चले जाएगा फिनलैंड। फ्यूचर की कंडीशन क्या होती है, उसमें पॉसिबिलिटी होती है, क्या उसके पास, किसी इंसान के पास पंख हो सकते हैं फ्यूचर में, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी जीरो है, राइट, पंख हो ही नहीं सकते हैं। देखो इसको ऐसे समझो, इफ आई हैव मनी मतलब अगर मेरे पास पैसा होगा, फ्यूचर की बात कर रहा हूं, तो पैसा फ्यूचर में हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट इफ ही हैज विंग, जब उसके पास फ्यूचर में पंख होंगे तो फिनलैंड उड़ के चले जाएगा, क्या ये सेंटेंस सही है, बिल्कुल गलत है, उसके पास पंख हो सकते हैं, ये क्या है, अनरियल आपकी इमेजिनेशन है, ठीक है, मतलब रियलिस्टिक नहीं है ये, अनरियल है, और अनरियल इमेजिनेशन किस में आती है आपकी, कंडीशन वन में, प्रेजेंट की इमेजिनेशन में, ठीक है। तो ये सेंटेंस अभी भी सही नहीं हुआ है, सही सेंटेंस कैसे होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हैड की, हैज की जगह हैड करना पड़ेगा, अनरियल इमेजिनेशन है, अनरियल इमेजिनेशन किस में यूज होती है, प्रेजेंट की इमेजिनेशन, प्रेजेंट की इमेजिनेशन कंडीशन वन में। तो हम क्या करेंगे, इफ ही हैड विंग्स, अगर उसके पास पंख होते, ये क्या इमेजिनेशन बन गया, अगर उसके पास पंख होते तो हम यहां पे वुड यही रहने देंगे पूरा, ही वुड फ्लाई टू फिनलैंड, तो वो फिनलैंड उड़ के चला जाता। अब हम पढ़ते हैं कंडीशनल सेंटेंस का एक स्पेशल केस, और उसके बाद हम देखेंगे मिक्स कंडीशन डिटेल में। तो ये स्पेशल केस है क्या, ये आपका इंपेरेटिव वर्ब कह लो या इंपेरेटिव सेंटेंस पे बेस्ड एक स्पेशल केस है। अब जो सबसे पहला क्वेश्चन आप सबके दिमाग में आना चाहिए वो ये कि इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या है। इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें आप ऑर्डर, रिक्वेस्ट, वार्निंग या एडवाइस देते हो। ये चार चीजें, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, वार्निंग या एडवाइस, ठीक है। अब जो दूसरा क्वेश्चन आप सबके दिमाग में आना चाहिए वो ये कि इंपेरेटिव सेंटेंस हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका कंडीशनल सेंटेंस से रिलेशन क्या है। तो देखो, इंपेरेटिव सेंटेंस जब भी यूज होता है ना, वो आपका प्रेजेंट में यूज होता है। अब अगर आप इंपेरेटिव सेंटेंस को कंडीशनल सेंटेंस में यूज करोगे तो आप उसको प्रेजेंट में ही यूज करोगे। इस सेंटेंस को पढ़ो,
इफ़ यू कम टुमारो वी विल प्ले बैडमिंटन, यहाँ पे हमने सेकेंड क्लॉज में फ्यूचर सिंपल यूज़ किया है विल। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस यूज़ करूँगा तो मैं विल नहीं यूज़ करूँगा, उसको प्रेजेंट में ही यूज़ करूँगा। इस चीज़ के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं। अब देखो इंपेरेटिव सेंटेंस प्रेजेंट में ही क्यों यूज़ होता है, इसको समझने के लिए आप इन सेंटेंस को पढ़ो। ये 20 सेंटेंस हैं, इनको पढ़ के देखो तो आपको समझ आएगा कि जो एडवाइस होती है, ऑर्डर होता है, कमांड, या फिर आप किसी को रिक्वेस्ट करते हो, तो ये सब आप किस में करते हो, प्रेजेंट में ही करते हो। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ और इसे समझने की कोशिश करो, ठीक है। अब देखो इस सेंटेंस को दोबारा पढ़ो। अगर मैं इस सेंटेंस में जो सेकंड क्लॉज है वी विल प्ले बैडमिंटन, इसकी जगह इंपेरेटिव क्लॉज लगा दूँ तो सेंटेंस क्या बनेगा, इफ़ यू कम टुमारो प्लीज़ ब्रिंग दैट बुक विथ यू। ये क्या हो गई, रिक्वेस्ट हो गई है। और ये देखो आपका प्रेजेंट में, इसमें हमने विल नहीं यूज़ किया है। इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमने इंपेरेटिव सेंटेंस समझा, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इंपेरेटिव वर्ड का मीनिंग समझा देता हूँ, तब आपको और अच्छे समझ आएगा। ये इंपेरेटिव वर्ड जो है इसका मीनिंग होता है जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है, कंपलसरी है, आपको करनी ही करनी है, इतनी इंपॉर्टेंट है, आपको करनी ही है, मैंडेटरी है। एंटोनिम आप इसमें पढ़ लो। अब देखो ये इंपेरेटिव वर्ड डिराइव कहाँ से हुआ है, ये वर्ड डिराइव हुआ है वर्ड एम्परर से। एम्परर मतलब राजा, एम्पायर मतलब साम्राज्य, ठीक है। तो एम्परर से कैसे डिराइव हुआ है, देखो एम्परर राजा। अब राजा अगर आपको ऑर्डर करेगा कि ये काम करो तो वो काम आपको करना ही पड़ेगा। राजा ने एक अगर आपसे रिक्वेस्ट कर दी तो वो रिक्वेस्ट आपको माननी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर उसने आपको कोई वार्निंग दी है कि ये काम नहीं करना है तो वो आप काम नहीं करोगे। अगर कोई एडवाइस दे दी छोटी सी तो वो एडवाइस भी आपको माननी पड़ेगी। वो आपके लिए क्या है, करनी ही करनी है, कंपलसरी है, मैंडेटरी है। और जो चीज़ कंपलसरी है, मैंडेटरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, इंपेरेटिव। इसलिए जो इंपेरेटिव ये जो वर्ड है ये आपका डिराइव हुआ है एम्परर से। और ये मैं आपको कुछ अपने तरीके से बना के नहीं बता रहा हूँ, ये कोई निमोनिक नहीं है, ये क्या है, फैक्ट है, ठीक है। ऑरिजिन इसका एम्परर है। अब इसको आप समझ लो। अब हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। देखो इफ़ यू कम लेट आई विल नॉट अलाउ यू टू सिट इन माई क्लास, अगर तुम लेट आए तो मैं तुम्हें अपनी क्लास में बैठने नहीं दूंगा। ये क्या आपका कंडीशन वन है, जिसमें इफ क्लॉज में हमने प्रेजेंट टेंस यूज़ किया है और जो नेक्स्ट क्लॉज है उसमें हमने प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल यूज़ किया है, इसलिए हमने विल यूज़ किया है। लेकिन अगर मैं इसमें आपका वो यूज़ कर लूँ क्या, इंपेरेटिव सेंटेंस, तो ये सेंटेंस क्या बनेगा, इफ़ यू कम लेट डू नॉट सिट इन माई क्लास। ये क्या हो गई, वार्निंग हो गई। और डू नॉट सिट इन माई क्लास इसमें मैंने विल नहीं यूज़ किया, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस में आप विल यूज़ ही नहीं कर सकते। इसी चीज़ को समझने के लिए तो हमने इंपेरेटिव सेंटेंस समझा था, ठीक है। अब ये कुछ और सेंटेंस हैं, इनको भी आप समझ लो, ठीक है। तो ये देखो हमने अभी तक तीन चीज़ देख ली, क्या, रिक्वेस्ट देख ली, वार्निंग देख ली और ऑर्डर देख लिया। बट अभी हमने सजेशन नहीं देखा, क्योंकि सजेशन में थोड़ा सा अलग, मतलब एक चीज़ और समझना पड़ेगा हमें। पहले तो इस सेंटेंस को पढ़ लो। इंपेरेटिव क्लॉज इज ऑलवेज इन प्रेजेंट टेंस, हमेशा प्रेजेंट टेंस में होगा। एंड इफ अ सजेशन इज एक्सप्रेस इन ए सेंटेंस शुड एंड मस्ट इज यूज इन प्लेस ऑफ विल, विल की जगह पर हम शुड एंड मस्ट यूज़ करेंगे अगर हम सजेशन दे रहे हैं। ऐसा क्यों, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूँ कि आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 68 kg, ठीक है, और ये आपके शरीर के लिए हानिकारक है, आपको वेट कम करना चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको सजेशन दे रहा हूँ। सजेशन में क्या यूज़ करते हैं हम, चाहिए। और इस चाहिए को हिंदी में हम चाहिए बोलते हैं, इंग्लिश में हम शुड और मस्ट से एक्सप्रेस करते हैं। शुड मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको अपना वेट कम करना चाहिए, मस्ट मतलब आपको अपना वेट जरूर बिल्कुल कम करना चाहिए। ये मैं क्या कर रहा हूँ, फोर्स डाल रहा हूँ मस्ट पे, ठीक है, बस इतना डिफरेंस होता है। अब देखो इन एग्जाम्पल को पढ़ो। If you want to get good mark in exam, you should study regularly. तुम्हें लगातार पढ़ना चाहिए, ठीक है। अब सेकेंड सेंटेंस देखो। If you don't know the person, you must not open the door. ये मान लो एक मम्मी अपने बच्चे को बोल रही है कि अगर तुम नहीं जानते हो किसी इंसान को तो तुम्हें दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं खोलना चाहिए, ठीक है। You must not open the door. तो should and must कब आते हैं, जब हम सजेशन या एडवाइस दे रहे होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस का ही ये पार्ट होता है। जब हम इसे कंडीशनल सेंटेंस में देते हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, शुड एंड मस्ट। इसको अच्छे से समझ लो, ठीक है। ये थे हमारे हमने जो स्पेशल केस पढ़ा। अब हम देखते हैं मिक्स कंडीशन, इसे पढ़ो। देर इज़ ओनली वन केस ऑफ मिक्स कंडीशन इन विच यू कैन मिक्स कंडीशन 2 and 3। इतना पढ़ो और इसे समझने की कोशिश करो। मिक्स कंडीशन का मतलब आप कंडीशन को मिक्स कर रहे हो और सिर्फ एक ही मिक्सचर पॉसिबल है जिसमें आप कंडीशन 2 and कंडीशन 3 को मिक्स करते हो, ठीक है। अब हम कंडीशन 2 and 3 को मिक्स क्यों करते हैं, इसके दो केस हैं और इन दोनों केस को हम एक के बाद एक समझते हैं। सबसे पहला केस वन देखते हैं और इस सेंटेंस को पढ़ो आप। आई वुड हैव पास द एग्जाम इफ आई वर्कड हार्ड। सेंटेंस को पढ़ते ही आपको दिख गया होगा कि ये सेंटेंस गलत है। क्यों, ये आपकी कंडीशन कौन सी है, कंडीशन 3। कंडीशन 3 मतलब पास की कंडीशन। इसमें हम क्या करते हैं, पास में इमेजिन करते हैं, पास के किसी एक्शन को बदल के देखते हैं, ठीक है।
तो आई वुड हैव पास द एग्जाम, मैं एग्जाम पास कर गया होता इफ आई वर्कड हार्ड. क्या है ये आपकी कंडीशन टू है, ये आपकी पास सिंपल है. जबकि पास्ट कंडीशन थ्री में इफ क्लॉज के अंदर आप पास परफेक्ट यूज करते हो. ठीक है, तो यहां पे क्या होना चाहिए, आई हैड वर्कड हार्ड. तो सही सेंटेंस क्या बना, आई वुड हैव पास द एग्जाम इफ आई हैड वर्कड हार्ड. इसे ऐसे याद करो कि कंडीशन टू में आप पास्ट यूज करते हो और कंडीशन थ्री में आप परफेक्ट यूज करते हो. देखो, वुड हैव पास्ड, ये क्या है, परफेक्ट टेंस है. आई हैड वर्कड हार्ड, ये क्या है, परफेक्ट टेंस है. पास्ट परफेक्ट है लेकिन है तो परफेक्ट, तो इसमें आप परफेक्ट यूज करते हो. ठीक है, हैव यूज होता है इसमें, हैव की फॉर्म. अब देखो केस वन क्या है, इफ इट इज इम्पॉसिबल टू चेंज पास सिंपल ऑफ इफ क्लॉज इंटू पास परफेक्ट. यहां पे पॉसिबल था, हमने पास सिंपल को पास परफेक्ट में बदल दिया. लेकिन अगर पास सिंपल को पास परफेक्ट में बदलना इम्पॉसिबल हो, तब हम कंडीशन टू एंड थ्री का मिक्सचर यूज करेंगे. अब देखो इस सेंटेंस को पढ़ो, आई वुड हैव पास द एग्जाम इफ आई वर आइंस्टीन, या फिर इफ आई वर यू. मैं एग्जाम, ये आपको पढ़ के थोड़ा गलत लग रहा होगा ना, आपको लग रहा होगा कि ये सेंटेंस गलत है. और सही क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए आई वुड हैव पास द एग्जाम इफ आई हैड बीन आइंस्टीन, या फिर इफ आई हैड बीन यू. ये सही होना चाहिए क्योंकि परफेक्ट टेंस होगा ये, कंडीशन थ्री है तो सारा का सारा परफेक्ट में चलेगा. यहाँ पे पास इफ क्लॉज में पास परफेक्ट यूज होना चाहिए, ये होना चाहिए. अब देखो कंडीशन थ्री कहती है कि पास में इमेजिन कर रहे हैं हम किसी एक्शन को बदल के देख रहे हैं. मैं पास में मेहनत कर सकता था बट मेहनत मैंने नहीं करी. तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैंने मेहनत करी होती, पास के एक्शन को बदल के देख रहे हैं. अब देखो आई वुड हैव पास द एग्जाम, मैं एग्जाम पास कर जाता अगर, काश मैं आइंस्टीन होता पास में. तो क्या मैं पास में आइंस्टीन हो सकता था, नहीं हो सकता था. लेकिन क्या मैं पास में मेहनत कर सकता था, हाँ मेहनत कर सकता था, इसलिए मैंने आई हैड वर्कड हार्ड करा है. बट आई हैड बीन आइंस्टीन मैं नहीं कर सकता क्योंकि पास में मैं आइंस्टीन हो ही नहीं सकता था. ठीक है ना, ये इम्पॉसिबल है. अगर मुझे ये कहना है काश मैं आइंस्टीन होता, ये क्या है, आपकी प्रेजेंट की इमेजिनेशन है. काश मैं प्रधानमंत्री होता, काश मैं मार्क जुकरबर्ग होता, काश मैं बिलियनर होता, काश मैं शेर होता, चिड़िया होता, ये होता, वो होता, वो प्रेजेंट की इमेजिनेशन किस में आती है, आप में कंडीशन टू में. अब हम आई वर आइंस्टीन यानी पास सिंपल को हम पास परफेक्ट में नहीं बदल पा रहे ना, क्योंकि पास परफेक्ट में अगर हम इसको बदलेंगे तो ये सेंटेंस गलत बन जाएगा. इसीलिए हम कंडीशन टू एंड कंडीशन थ्री का मिक्सचर यूज करते हैं यहाँ पे. तो कंडीशन, ये सेंटेंस सही क्या बना, अगर मैं आइंस्टीन होता तो मैं आज से 10 दिन पहले जो एग्जाम था वो मैं क्लियर कर जाता. ये इस तरह से कंडीशन टू एंड थ्री का मिक्सचर. ठीक है, अब देखो एक और एग्जाम्पल समझो. अगर आपको जो पहला वाला एग्जाम्पल समझ नहीं आया होगा, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. देखो, आई वॉज हैविंग फीवर, दैट इज वाई आई डिडंट प्ले वेल यस्टरडे. मुझे फीवर था इसीलिए कल मैंने अच्छा नहीं खेला. ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, पास के एक्शन को बदल रहा हूँ, इसको कंडीशन थ्री में मैंने डाला. तो मैं क्या कह रहा हूँ, आई वुड हैव प्लेड वेल इफ आई हैड नॉट सफर्ड फ्रॉम फीवर. मैंने अच्छा खेला होता अगर मुझे फीवर नहीं होता. फीवर हुआ, ये पास का एक्शन है. अब मैं इसको बदले कह रहा हूँ कि अगर मुझे फीवर नहीं होता, ऐसा हो सकता था कि मुझे फीवर ना हो. ठीक है, ये हो सकता था ना, इसी को मैं बदल के कह रहा हूँ पास में, कि अगर मुझे फीवर नहीं होता तो मैं अच्छा खेलता. अब इस सेंटेंस को देखो, I would have played well if I were Sachin, या if I had been Sachin. क्या यूज करूं, अगर मैं I had been Sachin यूज कर लूं तो ये आपका सही, मतलब यही फॉर्मूला होता है. ठीक है, कंडीशन थ्री का फॉर्मूला यही होता है कि परफेक्ट में चलता है. तो इफ क्लॉज में आपका पास परफेक्ट यूज होता है. I would have played well if I had been Sachin. बट इसका मीनिंग सोचो क्या है, कि अगर मैं अच्छा खेला होता अगर मैं पास्ट में सचिन होता, क्या ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है. मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इमेजिन कर रहा हूँ, अनरियल इमेजिनेशन. देखो, आप एक रियल वैसी इमेजिनेशन कर रहे हो कि पास में एक्शन को बदल रहे हो, कि मतलब पास में मैं बीमार था अगर मैं बीमार नहीं होता, पास में मैंने मेहनत नहीं करी अगर मैंने मेहनत करी होती, पास के एक्शन को बदल के देख रहे हो, तब तो वो किस में आएगा, पास की इमेजिनेशन में. लेकिन प्रेजेंट में अगर आप अनरियल इमेजिनेशन कर रहे हो, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, अगर मैं ये होता वो होता, अगर मैं गूगल का मालिक होता, या फिर मतलब कुछ भी आप अनरियल इमेजिनेशन कर रहे हो, ठीक है, वो किस में आएगा आपका, सेकेंड कंडीशन में, प्रेजेंट की इमेजिनेशन में. तो आप क्या यूज करोगे, इफ आई वर सचिन, ये सही होगा. इसलिए आपने कंडीशन थ्री आई वुड हैव प्लेड वेल, इसमें आपने जोड़ दिया कंडीशन टू इफ आई वर सचिन. तो कंडीशन टू एंड थ्री का मिक्सचर हो गया, तो आपका ये सेंटेंस सही होगा और वो गलत होगा, आई हैड बीन सचिन नहीं होगा. ठीक है, इस तरह से इसको समझो. तो कंडीशन टू एंड थ्री को हम इस तरह से मिक्स करते हैं. अब देखो केस टू, मिक्स कंडीशन केस टू क्या है, द टाइम ऑफ इफ क्लॉज इज डिफरेंट फ्रॉम द वन ऑफ द मेन क्लॉज. जब आपके इफ क्लॉज का टाइम डिफरेंट होगा दूसरे क्लॉज से, तब हम मिक्स कंडीशन यूज करेंगे. इसको हम अच्छे समझते हैं एग्जाम्पल की हेल्प से. देखो पहला एग्जाम्पल है, आई डिडेंट टेक मेडिसिन लास्ट नाइट, कल रात को मैंने दवाई नहीं ली. ये क्या है, पास्ट एक्शन. और इसका असर क्या हुआ है, दैट इज वाई आई हैव अ हेडेक नाउ.
इस वजह से मुझे अभी सरदर्द हो रहा है, ये क्या है, प्रेजेंट का अफेक्ट, ठीक है। अब इन दो सेंटेंस से अगर हम कंडीशनल सेंटेंस बनाएंगे तो क्या बनेगा वो, इफ आई हैड टेकन मेडिसिन आई वुड नॉट हैव अ हेडेक नाउ, अगर मैंने दवाई ली होती पास में तो मुझे अभी सरदर्द नहीं होता। अब देखो पास में मैं एक्शन को बदल के देख रहा हूं तो क्या यूज करूंगा, कंडीशन थ्री पास का एक्शन, और मैं प्रेजेंट यूज कर रहा हूं कि अभी मुझे सरदर्द नहीं होता तो प्रेजेंट की इमेजिनेशन, अभी मुझे सरदर्द नहीं होता तो इसके लिए क्या यूज करूंगा मैं, कंडीशन टू। तो कंडीशन थ्री और कंडीशन टू को हम मिक्स कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो दोनों क्लॉज है उनका टाइम डिफरेंट है, यहां पे हमने नाउ यूज करा है और वहां पे हम पास की बात कर रहे हैं कि पास में अगर मैंने दवाई ली होती तो अभी मुझे सरदर्द नहीं होता। देखो यहां पे आपको लग रहा होगा आई वुड नॉट हैव ए हेडेक नाउ, ये आपका कंडीशन थ्री है, लेकिन कंडीशन थ्री नहीं है ये, यहां पे जो हैव है ये आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है। देखो इफ आई हैड टेकन, हैड आपका हेल्पिंग वर्ब है और टेकन आपका मेन वर्ब है, लेकिन यहां पे हैव जो है वो आपका मेन वर्ब है, और वो हैव क्या बता रहा है, हैव बता रहा है आपकी स्टेट कि आपको सरदर्द हो रहा है, आई वुड नॉट हैव ए हेडेक नाउ। तो ये क्या आपका कंडीशन थ्री और टू का मिक्सचर है, कब, अगर इफ क्लॉज का टाइम और मेन क्लॉज का टाइम डिफरेंट होगा, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखो अच्छे से समझने के लिए इसको, देखो आई फेल्ड द एग्जाम यस्टरडे, कल मैं एग्जाम में फेल हो गया, कल मैं जो एग्जाम मतलब कल एग्जाम का रिजल्ट आया होगा तो मैं फेल हो गया पास में, उसका अफेक्ट क्या है, उसका असर क्या हो रहा है प्रेजेंट में, कि मैं अभी अपसेट हूँ, दैट इज वाई आई एम अपसेट नाउ। पास्ट यस्टरडे को नाउ प्रेजेंट से लिंक कर रहे हैं तब हम मिक्सचर यूज करेंगे। देखो कंडीशन क्या बनेगी, इफ आई हैड पास द एग्जाम, पास के एक्शन में मैं पास में फेल हो चुका हूं, मैं उसको एक्शन को बदल के देख रहा हूं कि अगर मैं पास हो गया होता तो ये कंडीशन थ्री यूज कर रहा हूं, इफ आई हैड पास द एग्जाम आई वुड नॉट बी अपसेट नाउ, तो मैं यहां पे कंडीशन टू यूज कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि अभी की बात हो रही है कि अभी मैं अपसेट नहीं होता, प्रेजेंट में मैं प्रधानमंत्री होता, प्रेजेंट में मैं ये होता वो होता, प्रेजेंट में मैं अपसेट नहीं होता, तो क्या यूज करूंगा प्रेजेंट की इमेजिनेशन, मतलब कंडीशन टू, इसलिए हम कंडीशन थ्री और कंडीशन टू को मिक्स करते हैं। इस चीज़ को एक बार और समझो, दोबारा पढ़ो इस सेंटेंस को और दोबारा इनको एग्जांपल को एक बार और देखना। देखो द टाइम ऑफ इफ क्लॉज इज डिफरेंट फ्रॉम द वन ऑफ द मेन क्लॉज, जो इफ क्लॉज में अगर आप पास की बात कर रहे हो और जो दूसरा क्लॉज है उसमें आप अभी की बात कर रहे हो, नाउ लगाना, देखो इसमें आई वुड नॉट बी अपसेट नाउ, तो हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात यानी प्रेजेंट की इमेजिनेशन, प्रेजेंट की इमेजिनेशन किस में आती है, मतलब अनरियल इमेजिनेशन किस में आती है आपकी, कंडीशन टू में, तो आपने कंडीशन थ्री पास की इमेजिनेशन के साथ कंडीशन टू को जोड़ दिया। ये आपकी दो केस होते हैं मिक्स कंडीशन के, बस यही था। तो अभी हमने देखा मिक्स कंडीशन का कॉन्सेप्ट, अब हम देखते हैं मिक्स कंडीशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आई वुड हैव किल्ड द लेपर्ड इफ आई वर अ लॉयन, बताओ ये कौन सी कंडीशन है। देखो वुड हैव प्लस वी थ्री यानी परफेक्ट टेंस, यानी कि कंडीशन थ्री, ये आपकी थर्ड कंडीशन है, और कंडीशन थ्री क्या होती है, पास की इमेजिनेशन, जिसमें आप पास के किसी एक्शन को बदल के देखते हो जो एक्शन पॉसिबल था, जैसे पास में आप मेहनत कर सकते थे, पॉसिबल था, बट आपने मेहनत नहीं करी और आप फेल हो गए, तो आप क्या कह रहे हो, अगर मैंने पास में मेहनत करी होती तो मैं पास हो जाता, तो जो चीज पॉसिबल थी, ठीक है। और कंडीशन थ्री में क्या होता है, परफेक्ट यूज होता है, और जो इफ क्लॉज होता है उसमें क्या यूज होता है, पास्ट परफेक्ट, बट यहां पे हमने क्या यूज किया है, पास्ट सिंपल, तो क्या होना चाहिए, पास्ट परफेक्ट, यानी क्या होना चाहिए, आई हैड बीन अ लॉयन, ये पास्ट परफेक्ट है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सेंटेंस क्या होना चाहिए, आई वुड हैव किल्ड द लेपर्ड इफ आई हैड बीन अ लॉयन, बट क्या ये सेंटेंस सही बन गया, नहीं, क्यों, इसका मीनिंग देखो क्या है हिंदी में, पास में मैं लेपर्ड को मार देता अगर मैं पास में शेर होता, इसको कंपेयर करो इससे, अगर पास में मैंने मेहनत करी होती क्या मैं पास में मेहनत कर सकता था, जी हाँ आप कर सकते थे, क्या मैं पास में शेर हो सकता था, नहीं, ये क्या है, अनरियल इमेजिनेशन, और अनरियल इमेजिनेशन किस में आती है, प्रेजेंट की कंडीशन यानी कंडीशन टू में, तो यहां पे आपका कंडीशन थ्री नहीं हो सकता, तो ये गलत है, क्या होगा, कंडीशन टू आएगा यहां पे, तो ये क्या है आपका मिक्सचर है कंडीशन थ्री और कंडीशन टू का। तो अब देखो केस वन हमारा क्या था, हम मिक्सचर कब यूज करेंगे, जब हम पास सिंपल को पास परफेक्ट में नहीं बदल सकते, ये आपका पास सिंपल आई वर अ लॉयन, इसको आप पास परफेक्ट में आई हैड बीन अ लॉयन में नहीं कन्वर्ट कर सकते, तब आप मिक्सचर यूज करोगे, ठीक है। तो ये सेंटेंस एकदम सही हो गया। अब देखो इसमें थोड़ा सा हमें टाइम लग गया इसको समझने में, बाकी के सारे सेंटेंस हम बहुत ईजिली समझ जाएंगे। तो सेकेंड सेंटेंस देखो, आई वुड हैव फ्लोन टू यूएसए इफ आई हैड हैड विंग्स, यहां पे हमने दो बार हैड यूज किया है, जो पहला हैड है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और जो दूसरा हेड है ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो ये क्या है, पास परफेक्ट यूज हुआ है, ये क्या है कंडीशन, ये भी कंडीशन आपकी थ्री है,
आई वुड हैव फ्लोन टू यूएसए, मैं पास में किसी एक टाइम पे उसके पास मौका था, वो यूएसए जा सकता था बट वो नहीं जा पाया. तो कह रहा है अगर मेरे पंख होते तो पास के एक टाइम पे मैं यूएसए के लिए उड़ जाता. ठीक है, तो ये क्या है, गलत सेंटेंस है. क्यों? यहाँ पे हमने कंडीशन थ्री यूज़ करी है, पास परफेक्ट. कंडीशन थ्री क्या बताती है आपकी, अभी हमने देखा ना थोड़ी देर पहले, कंडीशन थ्री आपकी पास के किसी एक्शन को बदल सकते हैं हम. ये तो अनरियल इमेजिनेशन है, पास में मेरे पंख नहीं हो सकते थे. अनरियल इमेजिनेशन किस में आती है, कंडीशन टू में. तो यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन टू. ठीक है, ये एकदम गलत सेंटेंस है. आई हैड हैड विंग्स नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, आई हैड विंग्स. तो सही सेंटेंस क्या बनेगा, आई वुड हैव फ्लोन टू यूएसए इफ आई हैड विंग्स, अगर मेरे पंख होते, प्रेजेंट में सोच रहा हूँ, तो पास में मैं यूएसए के लिए उड़ जाता. ठीक है, ये दोनों सेंटेंस सेम टाइम के थे इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा. अब देखो थर्ड सेंटेंस, इसी सेंटेंस को मैंने दोबारा लिखा इसी तरह से, आई वुड फ्लाई टू यूएसए इफ आई हैड विंग्स. ये पूरा का पूरा आपका कंडीशन टू है. देखो इसमें यहाँ पे हमने इतना पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपकी कंडीशन थ्री थी और आगे आपकी कंडीशन टू थी, कंडीशन थ्री और कंडीशन टू का मिक्सचर. बट यहाँ पे हमने पूरी कंडीशन टू यूज़ करी है, यानी प्रेजेंट की इमेजिनेशन, अनरियल इमेजिनेशन, जिसमें क्या कह रहा है कि मैं अगर मेरे पंख हों प्रेजेंट में तो मैं यूएसए के लिए उड़ जाऊँ, यूएसए उड़ के चले जाऊँ. तो ये सेंटेंस एकदम सही है. ठीक है, ये क्या है, कंडीशन टू है. अब बहुत इंपॉर्टेंट सा आपको पॉइंट बताना है, इस सेंटेंस को इससे कंपेयर करो और इस सेंटेंस को इससे कंपेयर करो, तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉन्सेप्ट समझ आएगा. देखना इस सेंटेंस को पढ़ो, शी वुड से येस इफ आई प्रपोज हर, इन दोनों को कंपेयर करो. ये भी आपकी कंडीशन टू है और ये सेंटेंस सही है. इसमें क्या कह रहा है कि अगर मैं उसको प्रपोज करूं, प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट की इमेजिनेशन, अगर मैं उसको प्रपोज करूं तो वो हाँ कह दे. ठीक है, तो ये एकदम सेंटेंस सही है. बट अब इसको और इसको कंपेयर करो, शी वुड हैव सेड येस, शी वुड हैव सेड येस इफ आई प्रपोज हर. देखो यहाँ पे वुड हैव सेड परफेक्ट, यानी कंडीशन थ्री, यहाँ पे हमने कंडीशन थ्री यूज़ करी है और यहाँ पे हमने कंडीशन टू यूज़ करी है. तो ये क्या किया हमने, कंडीशन थ्री और कंडीशन टू का मिक्सचर. क्या ये पॉसिबल है, सोचो इसको. पहले तो इन दोनों को कंपेयर करो, पॉज करो और दोनों को कंपेयर करो, दोनों सेंटेंस को. देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि शी वुड हैव सेड येस, पास में उसने हाँ कह दिया होता अगर मैं उसको प्रेजेंट में प्रपोज करूँ. पॉसिबल है क्या, वो प्रेजेंट की इमेजिनेशन है, आई प्रपोज हर, प्रेजेंट की इमेजिनेशन, कंडीशन टू. यानी वो कह रहा है अगर मैं उसको प्रपोज करता, प्रेजेंट की बात है, अगर मैं उसको प्रपोज करूँ, ऐसे समझ लो, अगर मैं उसको प्रपोज करूँ, प्रेजेंट में कह रहा है, तो वो पास में हाँ कर देती. ये गलत है, यहाँ पे वो कहना क्या चाह रहा है, अगर मैं उसको प्रपोज करता पास में तो शायद उसने हाँ कह दिया होता. तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, पास के किसी एक्शन को बदल के देख रहे हैं, उसने पास में प्रपोज नहीं किया तो वो कह रहा है इफ आई हैड प्रपोज हर. यहाँ पे कंडीशन थ्री ही यूज होगी, इफ आई हैड प्रपोज हर. यहाँ पे कंडीशन टू नहीं यूज कर सकते हम. देखो इस सेंटेंस में हमने मिक्सचर यूज कर लिया बट इस सेंटेंस में हम मिक्सचर यूज नहीं कर पा रहे. क्यों? क्योंकि आप मिक्सचर, ये कॉन्सेप्ट इसमें यही निकल के आएगा कि अगर आपको मिक्स करना है तो जो सेकेंड सेंटेंस है वो इमेजिनेशन होनी चाहिए, अनरियल इमेजिनेशन. बट क्या ये अनरियल इमेजिनेशन है? ये अनरियल इमेजिनेशन नहीं है. वो कह रहा है कि अगर पास में मैंने उसको प्रपोज किया होता, उसके हाथ में था प्रपोज करना बट उसने नहीं किया, ये पॉसिबल था. तो हम यहाँ पे मिक्सचर नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम कंडीशन थ्री यूज़ करेंगे. इस पॉइंट को आप समझने की कोशिश करना, ठीक है, एक बार और समझाऊँ क्या. देखो शी वुड हैव सेड येस, कंडीशन थ्री, ठीक है, उसने हाँ कह दिया होता अगर उसने पास में प्रपोज किया होता, पास की इमेजिनेशन. तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, कंडीशन थ्री. बट हम कंडीशन टू यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे. क्यों नहीं यूज़ कर सकते, कंडीशन टू आपकी प्रेजेंट की इमेजिनेशन होती है. इसको ऐसे समझो, वो कह रहा है कि अगर मैं उसे प्रपोज करता प्रेजेंट में, अगर मैं उसको प्रपोज करूँ तो पास में उसने हाँ कह दिया होता. लेकिन हम पास की ही बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं अगर पास में मैंने उसको प्रपोज किया होता तो उसने हाँ कर दिया होता. तो यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन थ्री ही यूज़ होगी, यहाँ पे मिक्सचर नहीं यूज़ होगा. और मिक्सचर कब यूज़ होता है, एक मतलब जो उसका, वैसे तो दो केस है, जो पहला केस है वो यही है, मिक्सचर तभी यूज़ होगा कंडीशन टू और कंडीशन थ्री का, जब आपकी इमेजिनेशन, अनरियल इमेजिनेशन हो रही है. ये अनरियल इमेजिनेशन है कि अगर मेरे पंख होते, ये अनरियल इमेजिनेशन है अगर मैं शेर होता, अनरियल इमेजिनेशन, ठीक है, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, अनरियल इमेजिनेशन. सब क्या है, अनरियल इमेजिनेशन. अब देखो हमने ये समझ लिया, अब क्या रह गया हमारा, लास्ट के दो क्वेश्चन रह गए. ये आप खुद देखो, इफ आई वर यू आई वुड स्लैप यू, इन दोनों को सेंटेंस को देखो और मुझे बताओ इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है. ठीक है,
बस इतना ही समझाना था आज। अब आपके सामने स्क्रीन में कुछ क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चन को आप करना, अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा, ये हमने हमारा कंडीशनल सेंटेंस का लेक्चर पूरा कंप्लीट हो चुका है, मतलब टॉपिक। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जीरेंड एंड इन्फिनेटिव बताऊंगा, पूरा कंप्लीट करेंगे हम उसको एक साथ, जीरेंड एंड इन्फिनेटिव को। तो और क्या रह गया, बस आज के लिए इतना ही। दिस इज रवि साइनिंग ऑफ, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग टिल द एंड, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे, आपका दिन शुभ, धन्यवाद।